हेलो, सलाम, नमस्ते, कैम छो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आया हूँ भुज शहर, भुज के स्वामीनारायण मंदिर पे। तो आज आप भुज के स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करेंगे। चलो फिर चलते हैं डायरेक्ट मंदिर के दर्शन करने। भगवान स्वामीनारायण का जन्म सन 1781 में मनुष्य के रूप में हुआ था। स्वामीनारायण का जन्म स्थल छपिया गोंडा है। महज 11 वर्षों की आयु में इन्होंने संपूर्ण भारत में अपनी यात्रा शुरू की, जो 9 वर्षों तक चलती रही। भुज के स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा किया गया है। भुज में दो स्वामीनारायण मंदिर है, नया वाला मंदिर पुराने वाले मंदिर के पास ही है। तो अभी जो आप मंदिर देख रहे हो, यह नया वाला स्वामीनारायण मंदिर है। इस मंदिर में स्वामीनारायण भगवान के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति भी रखी गई है। यह मंदिर लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। इस मंदिर के मुख्य गुंबद के साथ 7 शिखर है और 25 छोटे गुंबद है और संगमरमर के 258 खंभे हैं, जिन पर बहुत ही बारीकी के साथ शानदार नक्काशी काम किया हुआ है। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा हॉल भी बनाया हुआ है, जिसमें एक साथ 2000 से अधिक लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। और यह हॉल भजन कीर्तन के लिए भी बहुत उपयोगी है। स्वामीनारायण मंदिर को गुजरात के सबसे महंगे मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर तक किसी भी साधन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जिसमें रेल, बस और हवाई मार्ग शामिल है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। और यहाँ गर्मी में आना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी होती है। ये था भुज का स्वामीनारायण मंदिर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।